Hey guys, this is Abhav, new watching YouTube channel, जिसका नाम है टेक अमीबो। और आज हम बात करेंगे भाई अगेन इंटेल के मतलब बजट लेक वाले सीपीयूज के बारे में। बजट लेक समझ सकते हो तुम, हम बजट वाली लेक में पूरी गहराई में बात करेंगे अच्छे तरीके से। और यार जो पहली हमने वीडियो बनाई थी इंटेल के प्रोसेसर्स के बारे में, पहले दो बना चुका हूँ और उसमें जो मैंने मूरेज लॉ के मतलब कुछ लीक्स लिए थे और वीडियो रेडिकल्स पर बात किया था, कुछ थोड़ा अपना ओपिनियन भी दिया था। लेकिन अभी जो लास्ट वाली वीडियो गई है उसमें मैंने थोड़े मार्केट एनालिसिस भी आपको बताया और उसमें जो रेस्पॉन्स आया भाई वो बहुत ही गजब था, बहुत बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था, तो थैंक्स फॉर दैट। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई i5s के बारे में, जो कि हैं लाइक तुम्हारे हाइब्रिड आर्किटेक्चर के साथ नहीं है, हाइब्रिड कोर कॉन्फ़िगरेशन के साथ नहीं आते हैं, नॉर्मल कोर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं, और जिनमें हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, ऐसे भी कुछ प्रोसेसर्स हैं, तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। और अभी जो भाई मतलब तुम लोगों का जो एक्साइटमेंट है ना इन प्रोसेसर्स को लेकर, यस बहुत बहुत तकड़ा है। और यस मैं जानता था बिकॉज और कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो मैंने अपने पुरानी वीडियो में डिस्कस करी थी, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखो, छोटी सी वीडियो है, बहुत ही आपको पसंद आएगी। और इस वीडियो में जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो चीज़ें मैंने उस वीडियो में थोड़ी सी डिस्कस की थी कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ बताई थी, कुछ मार्केट एनालिसिस बताते, वो यहाँ पे मैं उनकी कंफर्मेशन दूंगा कि ऐसा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी मार्केट में आ चुकी हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देखे, जस्ट आफ्टर अ स्मॉल इंट्रो। तो गाइस यहाँ पे मैं मतलब मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरी वो लास्ट वाली वीडियो देखी है, और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो आपने उस पर रिस्पॉन्स दिखाया, वो बहुत ही बहुत कमाल का है। लेकिन बस एक चीज़ की कमी यार, आप लोगों ने उसमें मुझे मतलब थोड़े से यार कमेंट सेक्शन में, भाई लिखने के लिए होता है कुछ भी बकवास लिख सकते हो, वहाँ पे हम कुछ भी बकवास दे लेंगे, मज़ा आएगा भाई, कुछ भी करेंगे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। खास करके अगर आपको मेरा वर्क पसंद आता है, आपको अगर आप वीडियोस पसंद आती है तो मेक श्योर लीव अ लाइक, और एक लाइक छोड़ दो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन होता है, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ा अप्रिसिएशन है कि आप एक लाइक छोड़ के जाते हो कि हाँ मुझे पता लग रहा है कि एटलीस्ट मेरे लोगों को पसंद आ रहा है। डिसलाइक कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट मुझे समझ तो आएगा ना कि हाँ मैं अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊंगा, बट हाँ एक लाइक छोड़ दिया करो भाई, दबाने में कुछ नहीं जाता है। और साथ ही साथ अगर चैनल पसंद आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब कर लो फटाफट से बिना किसी तरीके, जब तुम उसके साथ क्या करो मुझे नहीं पता, उसके साथ तुम जंपिंग जैप आप खेलो, जो करना है करो, उस पर बैठ जाओ, लेकिन दब जाना चाहिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने उस पुरानी वीडियो में बात की थी, तो वो बात की थी कि लाइक एंड में मैंने एक क्वेश्चन उठाया था जो कि मेरे मन में भी था और आपके भी बहुतों के मन में होगा कि भाई सारे जो एलएलएम के सीपीयूज होने वाले हैं क्या वो हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएंगे या हाइब्रिड कोर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएंगे। मैंने उसमें डिस्कस भी किया था और एक आर्टिकल के साथ जिसमें MSI का लीक था कि आपका जो डाई आने वाली है वो दो टाइप की डाई आने वाली है एलएलएम सीरीज में, जो कि होगी हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन के साथ और एक होगी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के साथ। आप सभी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जैसे 8 जनरेशन में, 9 जनरेशन में और साथ साथ 10 जनरेशन में 6 को 6 थ्रेड का सीपीयू आता था, जो कि होता था i5 10400F 8400 और 9400F, कोई भी प्रोसेसर बोल सकते हो। तो यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पे हमें i5 12400F एंड 12400 के लीक्स मिले हैं, जो कि है वीडियो कार्ड्स की तरह से ही, तो थैंक्स टू देम। उसका आर्टिकल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटियर हार्डवेयर जो है उनके थ्रू यहाँ पे कुछ सैंपल्स, इंजीनियरिंग सैंपल्स टेस्ट हुआ है, जिसका कोड है अराउंड QYHX, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो वो यहाँ पे मतलब उन्होंने टेस्ट किया और एक टाइप से इंजीनियरिंग सैंपल है, और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक 12400F ही लग रहा है वो एक टाइप से उनके अकॉर्डिंगली, और उन्होंने वो क्लेम किया कि 12400F है। और उसका जो कंपैरिजन किया उन्होंने 5600 और काफ़ी सारे प्रोसेसर के साथ उसका कंपैरिजन किया, तो परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बात करते हैं भाई, हम थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये जो प्रोसेसर है ये 6 कोर 6 थ्रेड का प्रोसेसर है विदाउट एनी हाइपर थ्रेडिंग सपोर्टेड, और यहाँ पर आपको ओवरक्लॉकिंग नहीं मिलेगी बिकॉज इट्स अ नोन के प्रोसेसर। साथ साथ अगर TDP की बात करूँ तो 65W TDP है, जो कि आप थोड़े से नेमिंग्स बदल चुके हैं। इंटेल ने TDP को अब जो नॉर्मली अलग तरीके से बोलते हैं, वो एक होता है बेस फ्रिक्वेंसी पावर और दूसरा होता है एक टर्बो मैक्स फ्रिक्वेंसी पावर। तो PL1 स्टेट एंड PL2 स्टेट आप इन सबको जानते होंगे। तो 65 वॉट से लेके अराउंड
117 वॉट्स यहाँ पे लिमिट है. एक मतलब उन्होंने क्लेम किया कि 117 वॉट्स जो है वो अपने आप ही एक मदरबोर्ड पावर लिमिट सेट कर देता है. तो ये एक फीचर हो सकता है मे बी, और ये भी ये एक अपने आप में ही पावर स्टेट मतलब मैक्स पावर टर्बो पावर हो सकती है, ये ऐसा उनका क्लेम करना है. अब यहाँ पे आती है थोड़ी प्राइसिंग की बात. तो प्राइसिंग जो है वो अराउंड 200 USD के रखी हुई है. जो 200 USD को अगर आप जो कि है 1200F की, तो उसको अगर आप एक बार कन्वर्ट करते हो तो वो बैठता है आपका अराउंड 17,700 रुपये. बट और साथ साथ उसके बारे में मैं आगे बात करते हैं. और वही बात करूँ 12,400 की, तो वो 230 USD का रखा गया है, जो कि बैठता है 20,200 का. लेकिन अगर एक हमारी इंडिया की बात करें, ये तो हो गई वहाँ की प्राइसिंग विद GST प्लस करने के बाद. जब इंडिया में इतनी प्राइसिंग होनी चाहिए, बट क्या एक्चुअली में इतनी प्राइस होगी भाई? ये मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, एक्चुअली में इतनी प्राइस नहीं होगी. बिकॉज अगर आप अभी देखो तो 11 जनरेशन के जो प्रोसेसर्स है 11400F एंड 11400, वो अराउंड 11400 की बात करूँ तो वो अराउंड 19,400 का बिकता हुआ दिखता है AMD कंप्यूटर्स पे. साथ ही साथ 11400 की बात करूँ तो वो अराउंड 21,000 के अराउंड 21,000 के अराउंड बिकता हुआ दिखता है. और वहीं अगर बात करूँ मैं इन प्रोसेसर्स की, तो ये अराउंड 22,000 तो कहीं भी नहीं गया. लेकिन स्टिल आगे बात करते हैं. उससे पहले 5600 की प्राइसिंग जान लेते हैं, जो कि है अराउंड 24,000 से 25,000 रुपीज़ फिलहाल MD कंप्यूटर्स पे और बाकी जगहों पे. हाँ, अब बढ़ते हैं हमारी कुछ परफॉर्मेंस की तरफ. तो यहाँ पे कुछ बेंचमार्क्स हैं CPU-Z के और Cinebench R23 के, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख भी सकते हो. तो सिंगल थ्रेड में अगर बात करें तो CPU-Z का जो स्कोर है i5 12400 का, मेरा प्रोसेसर 8400 है तो मुझे हमेशा 8400 याद आता है. लेकिन i5 12400 का जो स्कोर है सिंगल थ्रेड में वो है 688. वही 5600X का जो स्कोर है वो है 648, जो कि अराउंड होता है 6% का इंक्रीज इन सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस. वहीं बात करूँ मैं मल्टी थ्रेडिंग की, तो मल्टी थ्रेडिंग में दोनों ही प्रोसेसर में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डिफरेंस है. इवन 0.5 से भी कम का डिफरेंस है, जो कि है लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो i5 12400 जो है वो 5004 स्कोर करता है, वहीं 5600 जो है वो स्कोर करता है 5022. लेकिन अब बात करते हैं हमारे अगले बेंचमार्क की तरफ, जो कि है Cinebench R23. अगर वहाँ पे सिंगल थ्रेडेड की बात करें तो वहाँ पे i5 12400 परफॉर्म करता है 1721 पॉइंट्स के साथ. साथ ही साथ वहाँ पे आपका जो 5600X है वो परफॉर्म करता है 1540 पॉइंट्स के साथ, जो कि अराउंड 10 to 11% का डिफरेंस होता है, जो कि बहुत प्यारा डिफरेंस है. आपको गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा प्यारी देखने को मिलने वाली है एज़ कम्पेयर टू 5600X. हालांकि डिफरेंस है, मैं जानता हूँ 50 से जो i5 12400 है वो 6 थ्रेड का प्रोसेसर है, वही 5600X जो है वो एक 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड का प्रोसेसर है. लेकिन स्टिल यहाँ पे जो आपको स्कोर देखने को मिलते हैं कुछ इस टाइप से हैं, जो कि 10 to 11% फास्टर है आपका यहाँ पे 12400. और साथ ही साथ अगर बात करूँ मल्टी थ्रेडिंग की Cinebench R23 में, तो वहाँ पे आपको 12400 का जो स्कोर है वो देखने को मिलता है 11,546. वहीं आपको 5600 का स्कोर देखने को मिलता है 11,306, जो कि अराउंड 2 to 3% फास्टर है यहाँ पे आपका i5 12400F एज कम्पेयर टू 1200F और 12400 एज कम्पेयर टू 5600X, जो कि बहुत अच्छी बात है. साथ साथ प्राइसिंग की बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका i5 है 12400F वो आपका अराउंड लॉन्च होगा 22,000 के अराउंड एज फार एज आई नो, ठीक है. और वहीं बात करता हूँ हमारा जो 12 जो कि 5600X है वो अराउंड लॉन्च होगा आपका मतलब क्या गुंडा बनेगा रे तू, 5600 लॉन्च हो चुका है सॉरी, वो अराउंड 25,000 के पड़ता है. लेकिन अगर ये 22,000 से नीचे में मिलता है, जो कि फेयरली और मतलब अपेरेंटली पॉसिबल है फिलहाल के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रोसेसर आपके लिए होने वाला है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार आएगा. और साथ साथ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं. और ऑन दी अदर हैंड अगर बात करें 5600X में, तो कोई भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं मिलते, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है. और साथ ही साथ अगर बात करते हैं हमारे इसके 5600G की तरफ, तो जो कि हमारा एक APU है, तो वो भी थोड़ा सा महंगा चल रहा है, जो कि अराउंड 26,000 तक का भी देखने को मिला है. तो ये एक बहुत ही कंसर्निंग चीज़ होगी जहाँ पे इंटेल अपना एक क्राउन वापस ले रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है.
अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही बात की थी इसके बारे में कि मार्केट एनालिसिस में बताया था कि जब ऐसा होगा कि आपने अपने जो इंटेल के एडलेक्स सीपीयू देंगे अगर इस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होते हैं, जो कि काफ़ी हद तक हुए भी, आपका जो i7 है 12700K वो अराउंड 38,000 to 39K के अराउंड बिकता हुआ दिख रहा है। मतलब प्री ऑर्डर्स उसके चालू हैं प्राइम एवी जी वी पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अगर हम बात करें मतलब हमारे जो राइजन 750 800X है उसकी हमारी एक न्यूज़ निकल कर आई है जो कि है माइक्रो सेंटर की तरफ से। अगर आपको नहीं पता तो बाहर माइक्रो सेंटर ये सब होते हैं जिनमें स्टोर्स होते हैं, तो वहाँ पर इसकी प्राइस अराउंड 300 USD कर दी गई है, जो कि सीधा सीधा $150 का डिस्काउंट, मतलब $150 का डिग्रेडेशन बोल सकते हो। इसकी जो लॉन्च प्राइसिंग थी वो थी 449 USD, जो कि अराउंड होती है 40,000 के अराउंड, बट अभी फिलहाल पे जो इसकी प्राइसिंग मतलब रखी गई है 300 USD, जो कि अराउंड अगर प्लस GST कर दो तो 27,000 होती है। बस घंटा भी आपको 27,000 में इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, अराउंड 30,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा। फिलहाल जो प्राइसिंग चल रही है 5800X की, मतलब अराउंड 34,000 to 36,000 मॉडल, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, मोस्टली जगह यही प्राइसिंग है। अगर आप कुछ कहीं अलग ही जगह रह रहे हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अमेजोन की बात करूँ तो 36,700 के अराउंड देखने को मिलता है वहाँ पे। लेकिन स्टिल बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी अगर आपको ये 30,000 में सिर्फ प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, बिकॉज अगर 5600 की बात करें तो वो आपको देखने को मिलता है 25,000 के अराउंड, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। और एट दैट प्राइस पॉइंट अगर मैं लाई कर रहूँगा एक राइजन 5 5600 के लिए, तो मैं अपने आप को पुश करूँगा कि मैं एक राइजन 7 5800X लूँ, तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए। सो गाइज, ये थे कुछ अपडेट्स और यही थी कुछ मेरी थोड़ी सी छोटी सी वीडियो, कुछ मेरे ओपिनियंस, और जो कि सर मैंने आपको बताया अगर इस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होता है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और काफ़ी अच्छा प्राइस डिग्रेडेशन आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में। ये बहुत अच्छे साइंस भी हैं कि आपको काफ़ी अच्छा एक प्राइस डिग्रेडेशन आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है, तो अच्छे दिन आने वाले हैं, खुशी बनाओ। और यार होप आप सभी फाइन हो यार, थोड़ा सा वायरल फीवर थोड़ा फैल रहा है, थोड़ा केयर करो, थोड़ा फुल कपड़े पहनना स्टार्ट कर दो, बहुत ज़्यादा ठंडी आ चुकी है। मैं आपको मिलूंगा ऐसी ऑसम वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम। Till I get up.